दोस्तों आप लोग फोन यूज करते हैं और फोन यूज करते समय आप लोग प्ले स्टोर से जब भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का इश्यू आपको देखने को मिलता है। दोस्तों ऐसा क्यों होता है और आप इसका सलूशन कैसे कर सकते हैं? दोस्तों आप समझ जाते हैं कि मेरे फोन में स्पेस फुल हो गया तो मैं किसी भी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दूंगा या कोई भी मूवी डिलीट कर दूंगा तो ये ठीक हो जाएगा। पर दोस्तों आप ऐसा करते हैं तो आपका मूवी डिलीट हो जाता है, पर आप ये नहीं जानना चाहते कि इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों मैं आज की इस वीडियो में इसका कारण बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है और इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा कि आप इसे कैसे बच सकते हैं। दोस्तों इसमें कई ऐसे इंटरफेस आ जाते हैं, जैसे डाउनलोड पेंडिंग का भी ऑप्शन आ जाता है। तो दोस्तों ये सारा जो भी प्रॉब्लम है मैं इसका सभी का सलूशन आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो को लास्ट तक। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हेलो गाइज, मैं हूं फाग और आप देख रहे हैं टेक्निकल हेल्पर। दोस्तों अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे हमारा हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहेगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसका पहले प्रॉब्लम बता देता हूँ कि ये किस प्रॉब्लम से ये होता है और फिर इसका मैं बाद में सलूशन बताऊंगा। तो दोस्तों प्रॉब्लम जानने के लिए आपको सबसे पहले आप अपने मोबाइल के सेटिंग में चले जाइएगा। सेटिंग में आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ आपको मैनेज ऐप्स या ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन दिखेगा। तो दोस्तों आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके फ़ोन में जितना भी एप्लीकेशन होगा सब यहाँ शो करने लगेगा। तो दोस्तों जैसे कि मैं अभी यहाँ फेसबुक देख लेता हूँ कि फेसबुक मेरे फ़ोन का कितना स्टोरेज ले रहा है, कितना स्टोरेज लिए हुआ है। तो दोस्तों मैं फेसबुक यहाँ से सर्च कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये फेसबुक आ चुका है। तो देखिए दोस्तों ये मेरे फ़ोन का 531 MB ले रहा है दोस्तों, पर इसका ज़्यादा से ज़्यादा साइज़ कितना होगा, 50 से 60 MB इसका साइज होगा, पर मेरे फ़ोन में ये 531 MB ले रहा है। तो दोस्तों पहले मैं इसका रियल साइज़ देख लेता हूँ ये कितना का है। तो दोस्तों यहाँ से मैं फेसबुक सर्च कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ से मैं फेसबुक सर्च किया तो देखिए दोस्तों इसका रियल साइज़ है 42 MB, पर मेरे फ़ोन में ये कितना ले रहा है, 531 MB। भाई ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, 531 MB क्यों ले रहा है। और दोस्तों मैं और कोई भी एप्लीकेशन का आपको दिखाता हूँ, जैसे WhatsApp देख लिया, देखते WhatsApp पे कितना मेरे फ़ोन में ले रहा है। तो दोस्तों ये WhatsApp भी देखिए तो 246 MB मेरे फ़ोन का ये ले रहा है, पर ये रियल इसका साइज़ कितना होगा। तो चलते हैं डायरेक्ट इसमें, तो मैं इसका WhatsApp देख लेता हूँ। यहाँ से WhatsApp क्लिक किया, उसके बाद दोस्तों मैं इसका देखता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा आपको दोस्तों ये है मतलब कि वही 38 से 39 MB का है। तो दोस्तों ये 38 से 39 MB का है, पर दोस्तों ये मेरे फ़ोन में 246 MB ले रहा है। तो दोस्तों इसका कारण क्या है? दोस्तों इसका कारण यही है कि जब भी आप ये सब एप्लीकेशन यूज करते हैं तो यूज करने के बाद दोस्तों आप इसे बैकग्राउंड में छोड़ देते हैं, तो दोस्तों ये बैकग्राउंड में रन करता रहता है। तो ऐसे में ये आपका डाटा यूज करता रहता है, डाटा यूज करता है तो आपके फ़ोन का स्पेस ये भरता रहता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है इससे बचने के लिए? तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों ये जो स्टोरेज फुल बता रहा है तो दोस्तों आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ कैचे आपको दिख रहा है दोस्तों 500 KB, 569 या 69 KB है दोस्तों। तो दोस्तों आपको इस पर क्लिक कर यहाँ से ये क्लियर डाटा जो है दोस्तों आपको इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ से जो 546 MB या 246 MB जो दिख रहा है दोस्तों ये पूरा क्लियर हो सकता है दोस्तों, जो इसका रियल साइज उतना ही पे ये आके अटक जाएगा। दोस्तों यहां से आपको क्लियर ऑल डाटा पे क्लिक कर देना है। दोस्तों आपको ऑन इंस्टॉल करने से अच्छा है कि क्लियर ऑल डाटा कीजिएगा, फिर से इस ऐप में आप लॉगिन उसी नंबर से हो सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं क्लियर, या तो आप सोचते हैं कि मैं क्लियर मतलब लॉगिन दोबारा से ना हो मेरे ऐप के साथ और कुछ ना हो, तो डायरेक्ट आप क्लियर कैचे पर क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों मैं क्लियर कैचे पर अभी क्लिक करूँगा तो ये क्लियर कैचे हो गया। यहाँ ये देखिए दोस्तों ये 0 BU हो गया, मतलब 0 हो गया। तो उसके बाद दोस्तों जैसे फेसबुक में अभी देख रहा था तो फेसबुक में भी ऐसा ही आपको करना है। ऐसे में आपके फ़ोन का जितना भी स्पेस होगा सब खाली हो जाएगा, मतलब कि जितना स्पेस लिया रहेगा। तो दोस्तों स्टोरेज पर क्लिक करना है, ये देखिए 217 MB है। तो दोस्तों मैं इसे इसका क्लियर करूँगा, तो फिर क्लियर डाटा पर क्लिक किया, यहाँ क्लियर कैचे पर क्लिक कर दूँगा। दोस्तों देखिए ये क्लियर कैचे पर क्लिक किया तो दोस्तों यहाँ भी 0 हो गया, ये 314 का हो गया। मतलब इस प्रकार दोस्तों आप अपने फ़ोन का MB को बढ़ा सकते हैं, स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इस प्रकार जान ही पाए होंगे कि आपके फोन में ऐसा इशू क्यों होता है और ऐसा प्रॉब्लम क्यों होता है और आप इसका सलूशन भी जान चुके हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए जिससे हमारा हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। Thank you.